पहले एक साथ 150 कारों की डील और अब एक मुश्त 90 कारों की डिलीवरी। हम छोटी नैनो या सबकी चहेती मारुति की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं लग्जरी कार मर्सिडीज की। कंपनी ने गुड़गांव की कार रेंटल के साथ ये डील की है। चमचमाती हुई ये मर्सिडीज कारें किसी शोरूम की खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं है। जर्मन कार कंपनी मर्सिडीज ने एक साथ सी क्लास की 90 डीजल कारें रेंटल कंपनी कार्स ऑन रेंट को बेची हैं। गुड़गांव की ये कंपनी इन कारों को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में एयरलाइंस के बिजनेस क्लास ग्राहकों के लिए चलाएगी। कंपनी का कहना है कि उसके पास कुल 6,500 कारें हैं, जिनमें लग्जरी कारों की संख्या केवल 3-4% तक है। जल्द ही इनकी संख्या और बढ़ाकर कंपनी लिमोजीन सर्विस शुरू करेगी। हम लग्जरी सेगमेंट को बिल्ड करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, और अभी तो हमारी टोटल 160 गाड़ियां हो गई हैं ये मिला के लग्जरी सेगमेंट में, बट उसको और एक्सपेंड करेंगे, उसको अगले कुछ सालों में एक पूरी लिमो कंपनी बिल्ड करेंगे। मर्सिडीज ने ये सौदा करीब 30 करोड़ रुपए में किया है। कंपनी बहुत जल्द ही मर्सिडीज बेंज फाइनेंशियल सर्विसेज शुरू करने जा रही है, जिसके बाद मर्सिडीज भारत में अपने रिटेल ग्राहकों को लीज पर भी कार बेचेगी। इस साल शुरू होने वाली लीज सुविधा के तहत ग्राहक 3 साल के लिए मर्सिडीज कार लीज पर ले सकेंगे। हमारा कोशिश है, हमारा मर्सिडीज बेंज फाइनेंस चालू होने के साथ साथ हम लोग ये रिटेल लीजिंग के ऊपर हमारा थोड़ा प्रेशर दे और इसके ऊपर थोड़ा काम करें, क्योंकि हमारा लगता है कि कस्टमर फाइनेंस में ले या लीजिंग में ले, 3 साल के बाद उनके पास चॉइस रहती है गाड़ी रखने का या वापस करने का। मर्सिडीज का कहना है कि आने वाले समय में उसकी 60% बिक्री सामान्य मार्केट से होने की उम्मीद है, जबकि 30-40% बिक्री लोअर सेगमेंट के नए प्रोडक्ट से होगी। जल्द ही कंपनी बी सेगमेंट में कुछ नए प्रोडक्ट भारत में उतारने की तैयारी कर रही है। अरुण मिश्रा, दिल्ली।